हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर और आज मैं फिर तुम्हें एक बड़ी रोचक जगह लेके आ रहा हूँ। ये हमारी कच्छ की खाड़ी और यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियो भी अलाउड नहीं है, तो बस ये समझ लो चोरी से ही बना रहा हूँ इधर मैं। तो देखो मैं आपको ज़बरदस्त बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ। ये आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है ना रेगिस्तान जैसा, ये रेगिस्तान नहीं है, ये सारा है ना, ये कच्छ की जो खाड़ी वाली रेत है ना वो है सारी, ठीक है। और इस साइड में देखो पीछे जो ये झोपड़ा सा दिख रहा है ना, ये वाला झोपड़ा जो है ये मछुआरों के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मछुआरे आ सकते हैं यहाँ पे और किसी को अलाउड नहीं है। इधर ये मेरे पीछे देखो सारा दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, खाली खाली दिखेगा, बिल्कुल वीरान है और बिल्कुल साइलेंट है ये एरिया। यहाँ पे कोई हवा वगैरह कुछ नहीं, बहुत कम है, मतलब हवा चल रही है थोड़ी बहुत लेकिन बहुत कम है, शाम का टाइम है। और ये मेरे पीछे आपको बालू रेत जैसी दिख रही है, देखो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये बिल्कुल बालू रेत जैसी है लेकिन रेत नहीं है, ये जो अपने कच्छ का बोलते हैं ना सफेद रण, वो है ये। और आपको उस साइड का दिखा देता हूँ, ये देखो वो पीछे मेरे चांद दिख रहा है। और ये जो बॉर्डर जैसा आपको दिख रहा है ना, ये बना हुआ है, जो मैं दिखा देता हूँ पास से, ये देखो ये बोरियों में है ना कुछ बजरी या कुछ भारी सा सामान डाल करके और रखा हुआ है, और ये दूर तक बनाया हुआ है बॉर्डर। ये देखो दूर तक आपको दिख रहा होगा, बहुत दूर तक, ये मतलब पूरे बॉर्डर बॉर्डर पे हर जगह पे बनाया हुआ है, दोनों साइड में। इधर भी देख लो आप, ये बीच में थोड़ा सा रास्ता मछुआरों के लिए छोड़ा हुआ है, यहाँ से मछुआरे जा सकते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से मछुआरे जा सकते हैं। और उस साइड में पीछे मेरे आपको वो झोपड़ी दिखाई थी मैंने, ठीक है। और इस साइड में है समुंदर, जिस साइड में अपन चल रहे हैं, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये समुंदर है। यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई आदमी नहीं मिलेगा, बिल्कुल खाली खाली, एक दो मछुआरा दिखेगा कहीं कहीं पे, वो आ रहा है एक मछुआरा हमारा, मैं उससे आपकी बात कराता हूँ क्या बोल रहा है कैसे। ये अभी इस टाइम पे जाल लगा के आते, आप जाल लगा के आए हो ना अभी बस, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, कितने आदमी लगा के आए, एक आदमी, एक लगाया, तो अभी दोबारा मछलियाँ निकालने कितने बजे आओगे, रात को 3 बजे आओगे, रात को 3 बजे फिर आपको दिखेंगे मछलियाँ यहाँ पे अंधेरे में, नहीं वो जाल में फंसी होगी ना। अच्छा जाल में फंसी होगी तो आवाज आएगी, तो वो जाल साथ में लेके इसमें डाल के, ये क्या चीज है, लकड़ी का जो आपने लिया, लकड़ी मछली वजन दोनों, और ये जाल, अच्छा इसमें जाल डाल के लाते हो, दिखाइए पास से, ये देखो इसके, ये जाल का मतलब कवर है एक तरीके से, इसके अंदर जाल आ जाता है, और फिर ये अभी रात को आएंगे 3 बजे और निकाल के ले जाएंगे। फिर दोबारा जाल कब लगाओगे आप, फिर दोबारा कल 6 बजे आएंगे, कल 6 बजे आओगे ऐसे एक रोज, मतलब डेली शाम को लगा के जाते हो, रात को फिर निकालने आते हैं। अच्छा काफी मेहनत का काम है यार, क्या करें यार, कितना कितना का, मतलब एक बार में कितनी मछलियां पकड़ ले जाते हो, वो ऐसे नहीं है कभी 500 का, 200 का, 100 का, 1000 का, ऐसा रोज का। ज्यादा से ज्यादा कितनी पकड़ी है आपने अभी तक, अभी कभी 2-3 हजार का मिल जाता है, 2-3 हजार का, और कम से कम, कम से कम 50 रुपये का मिलता है। अच्छा ऐसा भी हो जाता है, बहुत मेहनत हो जाती है। कौन सी वैरायटी मछलियों की मिलती है आपको, अभी तो ये खगी जिसको बोलता है, खगी, अच्छा ज्यादा खगी मिलती है, नहीं नहीं वो तो चिरी छोड़ी मिलता है, अभी क्या है कि ये मौसम थोड़ा शांत है ना, इसीलिए दूसरा वो गारे जैसा निकलता है ना, अच्छा। जाल पूरा काला हो जाता है, अच्छा। इसीलिए बड़ा जाल लगाते हैं, बड़ा जाल लगाते हैं थोड़ा ऐसा। आप यहाँ के कच्छी हो गए जी, कच्छी भाषा आती होगी आपको अच्छे से, तो थोड़ा कच्छी में कुछ बोल के बताएंगे हमारे दर्शकों को कच्छी भाषा में, आज कोरोना है, अच्छा आज कोरोना है जी, अच्छा कि आपका क्या नाम है, जब मैं बोलूं जैसे कि मेरा नाम शिवशंकर है, तो इसको कच्छी में कैसे बोलेंगे, तो इसमें मुझे ना शिवशंकर है, मुझे ना शिवशंकर है। अच्छा थैंक यू जी, आपका गफार नाम था जी, गफूर, गफूर जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे लिए टाइम में। ये मेरे दोस्त हैं कलीग जीतू भाई, हम दोनों इधर घूमने आए हैं आज। और ये देखो नीचे आपको देखेगा, ये यहाँ पे ना गीला गीला स्टार्ट हो गया, ये देखो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, अभी अंधेरा भी होने वाला है यहाँ पे, ये ना ये पत्थर जैसा हो रहा है, यही पत्थर बन जाएगा बाद में, पत्थर बन जाएगा बाद में। और ये मतलब गीला है, कीचड़ है, बालू रेत जैसा
कुछ नहीं है। और यहाँ से अगर पानी सूखेगा ना, तो पानी सूखते ही ये मतलब रेत जैसा बन जाएगा, उधर जो मैंने आपको पीछे दिखाया था वैसा रेत बन जाएगा। और अभी मैं कीचड़ में चल रहा हूँ, हल्की हल्की कीचड़ है यहाँ पे। पीछे देखो रेत स्टार्ट हो गया, वो झोपड़ी मैंने जो आपको दिखाई थी, ठीक है, और एक मछुआरे से बात कराई थी, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कीचड़ शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। तो मेरे को यहाँ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा आगे तक जाऊँगा नहीं। ये देखो ये यहाँ पे आपको पैर दिख रहे हैं, अभी इसमें पैर धंसने लग गए, कीचड़ जैसा फील हो रहा है, तो हो सकता है खतरनाक हो ये आगे जाना। अभी उस साइड में देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा पानी आगे, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा, फिर आगे मतलब पानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल स्लैप है, यहाँ पे बहुत सारे मछुआरे आते हैं दोस्तों, इस टाइम पे जाल लगा के जाते हैं और सुबह लेके जाते हैं। और वो उधर आपको लाइटें जल रही दिख रही होंगी, तो काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। अगर आपको कभी मौका मिले यहाँ पे आने के लिए या किसी भी समुंदर के, ये गुजरात का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे क्या है थोड़ा बैन है इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको मैं कहाँ पे हूँ। बाकी गुजरात का कोस्टल एरिया, कोई भी कच्छ में आप कहीं पर भी घूमो कोस्टल एरिया में, तो समुद्र के पास जाओ, बिल्कुल शांति मिलती है जब पानी शांत होता है शाम को, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। ये देखो हम बालू रेत पे खड़े हैं, बालू रेत जैसा है लेकिन बालू है नहीं है, और ही कुछ है। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम आज इधर, अच्छा लग रहा है, शांत एरिया है बिल्कुल, भाग दौड़ धूप। ये देखो ये समुद्री रेत है जो बिल्कुल पानी लग लग के और खराब हो जाती है। ये मेरा स्टाइलिश दोस्त जीतू। दोस्तों चलते हैं, अंधेरा हो रहा है और बहुत दूर है ये, यहाँ पे रिहायशी जो इलाका है वो यहाँ से कम से कम भी 8 किलोमीटर दूर है, 7-8 किलोमीटर दूर है, यानी आपको जो रहने वाली जगह है वो 7-8 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ पे जाके आपको रहना पड़ेगा।